टाइप ऑफ एपिडेमोलॉजिकल स्टडी की आज हम लोग बात करेंगे। मेनली टू टाइप्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग ऑब्जर्वेशनल स्टडी में होती है, हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी फर्दर टू टाइप्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिकल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करते हैं और एनालिटिकल स्टडी में हम लोग हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। एनालिटिकल स्टडी मेनली थ्री टाइप्स का होता है, कोहर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल। इकोलॉजिकल एनालिटिकल स्टडी भी होता है, बट जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग ये तीन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो यूनिट ऑफ स्टडी वो इंडिविजुअल होता है, और इकोलॉजिकल एनालिटिकल स्टडी में जो यूनिट ऑफ स्टडी दैट इज पॉपुलेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन कहाँ पे करते हैं, इससे पहले हमने बताया डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। बात करते हैं अपन एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडी में किया था उसको हम लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं। मेनली ये फोर टाइप्स का होता है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में जो यूनिट ऑफ स्टडी होता है दैट इज पेशेंट्स, फील्ड ट्रायल में हेल्दी पीपल, और कम्युनिटी ट्रायल जैसे कि नाम बता रहा है कम्युनिटी होगा, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स में मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवेल्युएट करते हैं थेरेप्यूटिक एजेंट का। वो थेरेप्यूटिक एजेंट कोई प्रोसीजर भी हो सकता है या फिर कोई ड्रग्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और वो सर्वाइव कर जाता है एक्यूट फेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसमें बीटा ब्लॉकर और एस्पिरिन चलाते हैं। तो ये एक तरह से ट्रायल है, किस चीज़ का ट्रायल है ना, किस पे ट्रायल कर रहे हैं हम लोग, तो पेशेंट पे कर रहे हैं। किस, कौन से पेशेंट पे, जो कि ऑलरेडी मायोकार्डियल इन्फेक्शन इनको हो चुका है, ठीक है। ट्रायल किसका कर रहे हैं हम लोग, तो एस्पिरिन का कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर का कर रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या ये देने के बाद है ना कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड मोर्टेलिटी में कितना डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। आइए क्वेश्चन जो ऑलरेडी एक पूछा गया था उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आया था एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी, ये रिसेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया था चार, आप ये देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल, केस कंट्रोल, कोहर्ट, ये ऑल फोर आर टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी। लेकिन इसमें जो केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल और कोहर्ट, उसमें यूनिट ऑफ स्टडी क्या, इंडिविजुअल है। लेकिन इकोलॉजिकल में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, पॉपुलेशन है। तो एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में मेनली टू टाइप का स्टडी होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी में करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग एनालिटिकल स्टडी में करते हैं, और हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी में करते हैं। अगर सीक्वेंस वाइज चले तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फिर उस एनालिटिकल स्टडी, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में हम लोग मेनली थ्री टाइप्स का स्टडी करते हैं, कोहर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। इकोलॉजिकल स्टडी भी एनालिटिकल स्टडी के अंदर ही आता है। जो कोहर्ट, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, इंडिविजुअल है, और इकोलॉजिकल में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, पॉपुलेशन है। कमिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है उसमें यूनिट ऑफ स्टडी पेशेंट्स है, क्लिनिकल ट्रायल में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, पेशेंट्स है, कम्युनिटी ट्रायल में नाम ही बता रहा है कम्युनिटी, और फील्ड ट्रायल में हेल्दी पीपल है, ठीक है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कौन से स्टडी में होता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कौन से स्टडी में होता है, पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ स्टडी इन विच टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी, और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ एपिडेमोलॉजिकल स्टडी। अब हम लोग आगे है ना एक एक इंडिविजुअल एंटिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या उसका है ना क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग घरेलू भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ एपिडेमोलॉजिकल स्टडी। थैंक यू।